पिपल इंडिया संस्था के साथ में अलग अलग प्रोग्राम के साथ काम कर रहा हूँ। अगर बात करेंगे प्रोग्राम की तो शुरुआत से ही मैं हेल्थ सेक्टर में काम किया हूँ। हेल्थ में मतलब HIV एड्स प्रोजेक्ट से हमारा स्टार्ट हुआ था और उसमें महिलाओं के साथ में फिर जो विक्टिम की महिलाएं थी उनके साथ में भी हम लोगों ने काम किया और अंत में अभी मैं पिछले मई महीने से मुंबई में हूँ, पेरियारगंज मुंबई के भिमंडी शहर में। वहाँ पे हमने एक TV प्रोजेक्ट के साथ में काम कर रहे हैं और इसमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं और बहुत ही नीडी पर्सन मिलते हैं और TV को मतलब कि क्योर करना और एलिमिनेट करना इतनी मतलब कि ज़रूरी है। और ये जो बीमारी है TV की, ये HIV एड्स से भी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि HIV एड्स में जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो बीमारी हमारे पास में नहीं आती है, बट TV एक ऐसी बीमारी है कि हमारे नहीं चाहते हुए भी एक दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिटेड होता है, एक दूसरे में संक्रमित होता है। इसलिए हम लोग जोर देते हैं ज़्यादातर कि TV को एलिमिनेट किया जाए, TV को अपने देश से मुक्त किया जाए, क्योंकि ये हवा में फैलती है, एक दूसरे से बातचीत के दौरान फैलती है। ये छुआछूत की बीमारी एक दूसरे के साथ में अगर हम कंटिन्यू 10-20 मिनट रहते हैं तो वहाँ से हमें फैलती है। और ये ज़्यादातर जो है कि लंग्स में फैलती है, जो सीने की TV होती है ज़्यादातर फैलती है और इसको जागरूक करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से एक हमारे बीच में केस आया था रमेश कुमार कहार के नाम से, जो कि अंजुर फाटा एरिया में रहता था और वो पूरी फैमिली के साथ में एक किराए के मकान में रहता था। मकान में रहता था, हमें पता चला पड़ोसी से कि रमेश को खांसी है, बुखार है और उसको मतलब कि दिन प्रतिदिन वजन कम होता जा रहा है। वो लड़का मतलब कि माल न्यूट्रिशन भी था, मतलब वो कुपोषित था, एक हाथ से अपंग था, फिर भी वो अपने परिवार को अपने बच्चे के लिए जीवन यापन करने के लिए एक लूम फैक्ट्री में एज ए करघा मशीन चलाता था और मशीन चला करके वो अपने परिवार का जीवन यापन करता था। यहाँ तक की बात है कि उसका एक 12 साल का लड़का है कृष्णा, वो कृष्णा भी उसके साथ में काम करता था। जब हमें कृष्णा के बारे में पता चला कि ये 12 साल का लड़का अपने पापा के दिन में रोजगारा में या नाश्ता ले जाने के लिए, लंच ले जाने के लिए वो जाता है और पापा जब नाश्ता खाना खाते हैं उस समय में ये वहाँ पे काम करता है, तो मुझे लगा कि ये 12 साल का लड़का है, अगर हो ना खास करके अगर ये इनको भी बीमारी निकले तो फिर दिक्कत रहेगी। इन रमेश की क्या उम्र? रमेश का उम्र है 35। तो रमेश को जब पता चला हम लोगों को, तो हम लोगों ने अपने फील्ड ऑफिसर को भेजा, फील्ड ऑफिसर वहाँ पे गई और उनका स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग करने के बाद में उनको सबसे पहले हमने स्पूटम कप दिया, स्पूटम कप देने के बाद में उनको एक्सरे स्लिप काट के दिए, लेकिन वो पिछले 15 दिन तक हम लोगों को घुमाते रहे कि मैं नहीं जाऊँगा या कोई कारण नहीं बताता था कि मैं क्यों नहीं जाना चाहता था। फिर फील्ड ऑफिसर ने मुझे बताया कि सर आप एक बार मेरे साथ चले, ये कैसा है, मुझे लगता है कि TV पेशेंट हो सकता है लेकिन ये एक्सरे के लिए नहीं जा रहा और नहीं ये अपना स्पूटम दे रहा है। फिर मैं गया वहाँ पर उनसे जब डीपली बात किया तो मैंने सोचा कि हो सकता है मजदूर रहते इनको कुछ मनी प्रॉब्लम होगा या आर्थिक स्थिति वैसा गवाह नहीं दे रहा होगा, साथ नहीं दे रहा होगा, ये हो सकता है यहाँ से एक्सरे सर्विस तक जाने में असमर्थ हो। तो फिर मैंने पूछा रमेश भाई देखो दिक्कत किसी तरह से तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको कोई पैसे नहीं है तो मैं आपको हेल्प करूँगा, आपको आर्थिक रूप से भी मैं मदद करूँगा, शारीरिक भी मदद करूँगा और प्रोजेक्ट के तरफ से जो भी आपकी मदद होगी वो हम 100% करेंगे। फिर उनको मैंने बताया कि जितनी भी जांच है, आप अगर मान लो बाय द वे आपको TV होती है तो सारी चीज़ें मुफ्त में होगी, आपको कोई 1 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरे फील्ड ऑफिसर पर विश्वास किया और फिर उन्होंने बोला ठीक है सर मुझे पैसे नहीं है इसके लिए, मैं एक्सरे तक नहीं जा रहा हूँ, सैलरी मुझे मिल जाएगी 10 तारीख को तो मैं चला जाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि आज 24 तारीख है, 24 अगस्त की बात है, 24 अगस्त से और 10 सितंबर आने में मतलब कि 14-15 दिन का गैप है, इस बीच में 2-4 लोगों को ये संक्रमित करेगा। फिर मैंने तुरंत उनको 50 रुपये दिए और 50 रुपये देने के बाद में उनको एक्सरे मशीन तक ले गए, वहाँ पर उन्होंने एक्सरे करवाया और 2 दिन बाद हमारे पास में एक्सरे रिपोर्ट आया। तो वो एक्सरे रिपोर्ट जब हमने डॉक्टर कंसल्टेंसी के दौरान डॉक्टर को दिखाया फिर वहाँ पता चला कि ये TV पॉजिटिव है। तो ये कहाँ पे एक्सरे कहाँ पे करवाया था? एक्सरे हमने भिमंडी के अंदर में रईस करके है वहाँ पे। अच्छा, कोई प्राइवेट सेंटर? हाँ, वो नहीं, वो गवर्नमेंट के द्वारा थी। अच्छा,
तो गवर्नमेंट ने हमें रेफरल स्लिप दी थी। अच्छा। उसी रेफरल स्लिप के माध्यम से अच्छा। उनको वहाँ पे हमने एक्सरे दिया और एक्सरे उन्होंने करवाया। एक्सरे करवाने के बाद में रिपोर्ट उनका पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद में हमने उनके घर में जो फैमिली मेम्बर थे उनको स्क्रीनिंग किया, क्लोज कॉन्टेक्ट को हमने स्क्रीन किया। उसमें क्लोज कॉन्टेक्ट को स्क्रीन किया तो उनके साथ में कृष्णा 12 साल का, उनकी पत्नी देवी थी, देवी नाम करके थी 30 साल की, और उनके बेटी थी सोनी करके, वो बेटी है मुश्किल से 5-7 साल की। तो चार परिवार थे जिसमें से हमने चारों को एक्सरे टेस्टिंग करवाया, जिसमें से उनका लड़का 12 साल कृष्णा था वो भी टीवी पॉजिटिव निकला, उनकी पत्नी जो थी देवी वो भी टीवी पॉजिटिव निकली, और उनकी जो छोटी बच्ची 5 साल की थी, सौभाग्य परमात्मा का भी होता है कि वो बच्ची जो थी वो टीवी पॉजिटिव नहीं निकली। फिर डॉक्टर से उनको भी एक्सरे वगैरह करवाए और उनको ट्रीटमेंट के लिए ले गए, तो उनकी वाइफ देवी की और उसका लड़का कृष्णा जो 12 साल का है उनका भी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और उनकी जो छोटी बहन थी सोनी देवी उसका जो है कि हमने TPT स्टार्ट कराया। यहाँ तक कि फिर जब पता चला कि ये जिस फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, हम लोगों ने क्लोज कॉन्टेक्ट का और TPT को लेकर के बहुत ही सीरियस थे, तो हमने उनके फैक्ट्री के बारे में पूछा, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनको काउंसलिंग किया। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो हमारा सिस्टम है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के 14 दिन तक हम डेली उनसे फॉलोअप लेते हैं, घर जा कर के मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, दवा खा रहे हैं तो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, तो उन सारे चीज़ें को हम अवगत कराते हैं ताकि उनको किसी तरह से कोई समस्या ना हो। पता चले हमें तो बोल रहे हैं कि दवा खा रहे हैं, लेकिन पता चले वो दवा बीच में ही छोड़ दिए तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हम लोग फॉलोअप के दौरान में पता किए तो बताया कि यहीं बगल में जहाँ पे हमारा PHC है, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है, जहाँ से उनकी दवाई चल रही थी, उसके सामने ही उनका लूम फैक्ट्री था, वहाँ पे गए। उनकी जो फैक्ट्री के जो ठेकेदार थे उनसे हमने बात किया। अच्छी बात यह थी रमेश का, अच्छी बात मुझे ये लगा कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री में ठेकेदार को भी बताया था कि मुझे इस तरह की बीमारी है, और मैं उस ठेकेदार को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जाना, समझा कि इसको TB है, लेकिन किसी तरह से उन्होंने रमेश के साथ में गद्दारी नहीं किया या रमेश के साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं की, उनको नौकरी से नहीं निकाला, वो काम दिए और काम कंटिन्यू उनके साथ कर रहे थे। और हमें खुशी इस बात की हुई कि जब हम उनके बारे में पूछने गए तो ठेकेदार मुझे बहुत अच्छी तरह से रमेश के बारे में बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, इसने मुझे बताया है कि मुझे TB है। और फिर वहाँ पर 6 लोग और काम करते थे, उनको भी हम लोगों ने स्क्रीनिंग किया, उनका स्पुटम जांच कराया, एक्सरे जांच कराया, लेकिन सौभाग्य ऐसी अच्छी थी कि उनमें से 6 में से किसी को भी TB की बीमारी नहीं थी। और अभी उनका जो है कि ट्रीटमेंट जो है कि मार्च महीने में 14 मार्च को उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है, और उनका हमने एक्सरे और जो स्पुटम था जांच कराने का वो भी हमने कराया है, और वो आज स्वस्थ है। और वो संस्था का हिमाना पीपल टू पीपल इंडिया लीड प्रोजेक्ट JSI पार्टनर को भी वो धन्यवाद देता है कि शायद अगर आप नहीं होते तो आज हम आपके साथ बैठ नहीं सकते थे, या आपको नहीं जानते, आपके संस्था को नहीं जान पाते, और आप एक बहुत ही अच्छी काम कर रहे हैं, और इस तरह के काम आप और भी लोगों को जाकर के जागरूक करें। और हमने भी उनको मैसेज दिया कि अगर इस तरह से किसी को भी प्रॉब्लम हो, आपके दोस्त को, रिश्तेदार को, या जहाँ भी दिक्कत हो, उनको आप मेरे नंबर, मेरे फील्ड ऑफिसर का नंबर दें ताकि वो मुझसे बात करें, और इस तरह से अगर बीमारी है तो उनको ट्रीटमेंट सफल कराए, और इस देश से TB मुक्त करने में, TB को एलिमिनेट करने में हमारा सहयोग करें, तभी हम देश से TB को मुक्त कर सकते हैं, तभी TB हारेगी और देश जीतेगी। स्पुटम टेस्टिंग है कैसे हुई थी? स्पुटम टेस्टिंग के लिए उनका जो है कि हमने स्पुटम कप दिए थे, फिर उन्होंने अपना स्पुटम दिया, और स्पुटम को हम लोग जो है कि IGM हॉस्पिटल है जो कि TB यूनिट है भिमंडी के अंदर में ही, क्योंकि पूरी भिमंडी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वो वहीं से सारा TB यूनिट लीड होता है, तो वहाँ पर हम लोग ले करके गए थे, और उनका जो है कि स्पुटम जांच मॉलिक्यूलर के माध्यम से हुआ। कौन सी मशीन पता, जो भी मशीन ट्रूनेट से हुआ था। अच्छा, और फिर बाद में जब ट्रीटमेंट उनका ख़त्म हो गया तब फिर ट्रूनेट से टेस्टिंग, फिर ट्रूनेट से टेस्टिंग। अच्छा, अभी उनके उनके बेटे और वाइफ का इलाज चल रहा है? नहीं, सबका ट्रीटमेंट, क्योंकि उनका
ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने में 2-4 दिन का ही हमने फासला लिया था, बहुत जल्दी मतलब इनिशियल ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट किया ताकि एक घर में 3 मरीज होना मतलब कि पड़ोस में भी मरीज बढ़ सकते थे, तो साथ में ही फिर उनके क्लोज कॉन्टेक्ट में भी हम लोगों ने स्क्रीनिंग किया, तो उनके क्लोज कॉन्टेक्ट में भी मतलब घर के क्लोज कॉन्टेक्ट में पड़ोसी में भी एक महिला टीबी पेशेंट निकली थी और उनका भी ट्रीटमेंट अभी चल रहा है उनका। आपका कोई संदेश, कोई मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे, काम क्यों जरूरी है आपका? संदेश और मैसेज अगर बात करें तो संदेश और मैसेज तो मैं यही देना चाहता हूँ कि देखिए टीबी एक ऐसी बीमारी है कि एक दूसरे में हवा के माध्यम से फैलती है, और मैं देशवासियों को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को टीबी के लक्षण जैसे मान लिया जाए उसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, खांसी के साथ बलगम आता है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, रात में पसीना हो रहा है, इस तरह से अगर उनके कोई लक्षण दिखाई देती है तो तुरंत साक्षात्कार डॉक्टर के पास में जाएं, जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उनके पास में जाएं और वो अपना इलाज करवाएं ताकि ये बीमारी किसी और को न बढ़े। और ये ज़रूरी मैं इसलिए समझता हूँ कि देखिए हम लोग इंसान हैं, अगर इंसान इंसान को अगर काम नहीं आएगा तो फिर आगे कौन ऐसा कर सके, इसलिए हम लोग हमारी संस्था भी जो हिमाना पीपल टू पीपल इंडिया है इसका भी मतलब यही होता है कि एक मानवता से मानव से जन जन तक को हमें जो भी जिस क्षेत्र में हम काम करें उस क्षेत्र में अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी को दिक्कत है उस क्षेत्र में हम काम करें और उस क्षेत्र के लोगों को उस क्षेत्रवासियों के लिए हम अच्छा काम करें ताकि आने वाले फ्यूचर में इस तरह की जो बीमारियाँ हैं या समस्याएँ हैं वो दोबारा लौट के वापस ना।